चलिए रुक करते हैं इस वक्त सीधा छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। तो बस्तर के विकास कार्यों को बस्तर को विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। दूसरे चरण के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया है और अस्पताल के तीसरे चरण के कार्यों का भूमि पूजन वर्चुअली किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बता दें बस्तर में 244 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। बस्तर जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और यहाँ पर अधिक से अधिक विकास हो बस्तर संभाग में, ये मुख्यमंत्री की कोशिश है और इसी मकसद के साथ, सोच के साथ सरकार काम कर रही है और विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर को करोड़ों की सौगात दी है। जगदलपुर में महारानी अस्पताल कार्य का सीएम भूपेश ने लोकार्पण किया, साथ ही दूसरे चरण में उन्नयन कार्य की भी सौगात दी, तीसरे चरण में अस्पताल के कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें आपको कि सीएम भूपेश बघेल बस्तर में 244 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे चुके हैं आज और कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन तरीके से ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विकास कार्यों की सौगात जो मुख्यमंत्री ने दी है बस्तर संभाग में, जगदलपुर में महारानी अस्पताल का है लोकार्पण, जो यहाँ पे अधिक से अधिक मरीजों को सुविधाएं मिल सके, जो अपने उपचार के लिए यहाँ मेडिकल सर्विसेज के लिए जो मरीज पहुँचेंगे अस्पताल में, महारानी अस्पताल में, उन्हें बेहतर उपचार मिल सके। सरकार की मंशा यही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, कि अधिक से अधिक विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा हूँ मिथिलेश भी है, राजेश शर्मा भी है, चंदन कश्यप भी है, सब लोग बैठे, सफीरा भी दिख रही है, रेखचंद भी है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। राम राम, सबको राम राम। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने सौगात दी है विकास कार्यों को, यहां पर भूपेश बघेल ने जगदलपुर में महारानी अस्पताल कार्य का लोकार्पण किया है, साथ ही उन्नयन कार्य की भी सौगात दी है और अस्पताल के कार्यों का भूमि पूजन किया है।